तो दोस्तों गैलेक्सी F55 और M55 के बारे में बात करें तो इसमें मेन डिफरेंस रहेगा डिजाइन का। थोड़ा सा कैमरे में भी डिफरेंस देखने को मिलता है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इनबॉक्स आइटम्स की बात करें तो दोनों में से किसी में भी आपको चार्जर साथ देखने को नहीं मिलता। तो यही एक मेन ऐसा पार्ट है जहां पर दोनों डिवाइसेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। F55 वाकई यहां पर एकदम यूनिक डिजाइन के साथ आता है। अगर आप सैमसंग के पुराने डिजाइन से बोर हो चुके हो तो यहां पर कुछ नया आपको F55 में देखने को मिलेगा। इंडिविजुअली M55 का डिजाइन भी काफी बेहतर है, बैक पर रफ फिनिश के साथ आता है, काफी प्रीमियम फील होता है। बट F55 थोड़ा सा यूनिक है, बैक पर आपको लेदर लुक नहीं मिलता है, एक्चुअली में लेदर की कोटिंग जैसा कुछ वहां पर दिया गया है और काफी अमेजिंग और प्रीमियम ये फील होता है। दोनों ही डिवाइसेज में से किसी में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेज हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको स्टीरियो साउंड मिलता है, यानी कि डुअल स्पीकर के साथ आते हैं। इसी के साथ अगर फ्रेम की बात करें तो प्लास्टिक फ्रेम के साथ दोनों डिवाइसेज आते हैं। और अगर डिमेंशन की बात करें तो वहां कोई भी फर्क नहीं है, स्लिमनेस और वेट दोनों डिवाइसेज का एग्जैक्ट सेम है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो दोनों ही डिवाइसेज आते हैं 6.7 इंच के फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ। ब्राइटनेस की बात करें तो पीक ब्राइट है 1000 निट्स का। इसके अलावा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट यहां पर आपको दोनों डिवाइसेज में देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलती है। डिफरेंस यहां कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे स्पेसिफिकेशंस आपको सेम मिलते हैं, दोनों ही डिवाइसेज की डिस्प्ले की परफॉर्मेंस भी एग्जैक्ट सेम है। दोनों ही डिवाइसेज पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं, पतले बेजल्स दिए गए हैं, तो एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस भी आपका काफी कमाल का रहेगा। यूआई फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स दोनों डिवाइस से सैमसंग वन यूआई 6.1 और एंड्रॉइड 14 पर रन करते हैं। फीचर्स की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में मिलता है और फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। एडवांस फीचर्स के अंदर जेस्चर कंट्रोल्स, मल्टी विंडो, इसके अलावा स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और डुअल मैसेंजर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको इसे थोड़ा ज़्यादा कस्टमाइज करना है तो गुड लॉक आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा क्विक एक्सेस पैनल में आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, NFC देखने को मिलता है दोनों ही डिवाइसेज में, और सिक्योर फोल्डर भी यहाँ दोनों ही डिवाइसेज में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने से पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि M55 और F55 के कैमरे में कोई भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगर फीचर्स की तरफ तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि अल्ट्रावाइड फोटोज और वीडियोज आप दोनों से ही रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर ये देखें दोनों डिवाइसेज में थोड़ा सा डिफरेंस तो देखने को मिलता है कैमरे में। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो प्रो वीडियो, इसके अलावा सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन, साथ ही साथ डुअल व्यू वीडियो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 60 FPS पर आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों ही डिवाइसेस से, और 30 FPS पर अल्ट्रा एचडी तक का। दोनों ही डिवाइसेस OIS सपोर्ट करते हैं, तो सुपर स्टीरियो मोड भी आपको यहां देखने को मिल जाता है। तो आज इस कंपैरिजन की शुरुआत वीडियो से ही करते हैं। तो ये है दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया ये फुल एचडी का वीडियो सैंपल। अब यहां इस पॉइंट पर दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही डिवाइसेस की लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा जब आप सनलाइट में आते हो तो उस कंडीशन में F55 में थोड़ी सी हल्की सी येलो टोन शो होती है, जो कि वाइट बैलेंस का इश्यू है, और ऐसा कोई इश्यू आपको M55 में देखने को नहीं मिलेगा। अगेन आप इस पॉइंट पर भी देख सकते हो F55 में जो वाइट बैलेंस का इश्यू है वो थोड़ा ज़्यादा है M55 के कंपैरिजन में। डायनेमिक रेंज दोनों ही डिवाइसेस की ठीक ठाक है, यहाँ पर आप देख सकते हो चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में भी दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और शैडो फ्री वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ वीडियोस के अंदर नहीं है, स्टेबलाइजेशन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर इस फोटो की बात करें तो यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो मेन डिफरेंस मुझे नोटिस हुआ वो रहा रेड कलर का। F55 में थोड़ा सा रेड कलर ओवर सैचुरेटेड शो होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर वाली पट्टी को, जो कि थोड़ी सी वेल सैचुरेटेड है M55 में। अगेन यहाँ पर जो पेड़ का तना है वहाँ पर आपको रेड टोन शो होती है। अगर इस फोटो की बात करें तो यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हो, तो जो मेन डिफरेंस रहेगा वो रेड कलर का ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी के फोटोज में आपको शायद ही कोई डिफरेंस देखने को मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेस से एग्जैक्ट सेम फोटो क्लिक होता है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप दोनों डिवाइसेस के अगर पोर्ट्रेट मोड पर स्किन टोन देखो तो F55 में थोड़ी सी रेडिश स्किन टोन आती है, जबकि M55 में थोड़ी सी वाइट स्किन टोन आती है। थोड़ा सा जूम करके आप क्लियरली यहाँ से डिफरेंस देख सकते हो। तो पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो ऑटो मोड पर आपको देखने को मिला था, एक अननेसेसरी
रेड टोन आपके F-55 के फोटोज में शो होती है। नाइट मोड के मामले में भी F-55 मुझे M-55 से थोड़ा सा बेहतर लगा। देखो ये फोटो की बात नहीं है, कई सारे फोटोज क्लिक किए हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ज़्यादातर फोटोज में F-55 में आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू M-55। अल्ट्रा वाइड फोटोज की बात करें तो भाई यहाँ कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। F-55 और M-55 दोनों ही डिवाइसेस से एग्जैक्ट सेम पिक्चर्स क्लिक होती है, वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट कैमरे की बात करें तो थोड़ा सा डिटेलिंग में फ़र्क मुझे देखने को मिला। M-55 में थोड़ी सी बेहतर या फिर कहें थोड़ी सी शार्प सेल्फी देखने को मिली एज कम्पेयर टू F-55। इसके अलावा और कोई खास डिफरेंस नहीं है, जैसे कि ये सेल्फी दोनों में एग्जैक्ट सेम सी नज़र आती है। स्किन टोन का थोड़ा सा डिफरेंस है, M-55 की स्किन टोन में हल्की सी रेड टोन जबकि F-55 में हल्की सी वाइट टोन। और जो डिटेलिंग का फर्क है वो कॉन्स्टेंट दोनों डिवाइसेस में हर सेल्फी में देखने को मिला है। M-55 यहाँ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है F-55 से। तो दोस्तों बात करें अगर गैलेक्सी F-55 और M-55 की, तो शायद ही इनमें कोई डिफरेंसेस देखने को मिले क्योंकि सेम हार्डवेयर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर कितने दमदार है ये फोन, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। तो शुरुआत करते हैं रीस्टार्ट टेस्ट से, दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं सबसे पहले रीस्टार्ट। और इसी के साथ अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आते हैं। M-55 का यहाँ पर यूज किया गया है 8GB RAM 256GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन, वहीं F-55 का यूज किया गया है 8GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन। और यहाँ थोड़ा सा M-55 जल्दी रीस्टार्ट हुआ, क्यों हुआ कैसे हुआ उसके बारे में नहीं बता सकता, हो सकता है F-55 पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड हो क्योंकि एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल्ड है। आगे चलते हैं दोनों ही डिवाइसेस के N2 बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो अगर टोटल की बात करें तो यहाँ M-55 का थोड़ा सा ज़्यादा है और इतना डिफरेंस यहाँ पर चलता है क्योंकि कोई डिवाइस हीट होता है तो उसका स्कोर थोड़ा सा कम आता है। इसके अलावा अगर किसी डिवाइस में एप्लीकेशन ज़्यादा इंस्टॉल्ड है या मेमोरी कम है तो उसका भी थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। कॉमन यूज़ की बात करें तो थोड़ा सा फर्क है, डेली टास्क में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं, GPU स्कोर दोनों के लगभग सेम है। यहाँ मेमोरी स्कोर की बात करें तो M-55 का रोम का राइट स्पीड दुगना है एज कम्पेयर टू F-55। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि दोनों ही डिवाइसेस में क्या वाकई कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये कुछ नेटिव एप्लीकेशंस में लॉन्च करके देखता हूँ दोनों ही डिवाइसेस पर, और अभी तक 3 एप्लीकेशंस लॉन्च किए, तीनों ही सेम टाइम पर लोड हुए दोनों ही डिवाइसेस पर। अगेन गैलरी भी सेम टाइम पर लोड हुआ, कोई भी डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो डिफरेंस तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों ही डिवाइसेस डेली टास्क को बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे, किसी तरह का कोई इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। M-55 में यहाँ पर इस गेम का थोड़ा सा एनिमेशन स्किप हुआ है जबकि F-55 में नहीं हुआ, तो इसीलिए ये गेम M-55 पर थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ। इसी के साथ बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले अगर N22 बेंचमार्क के स्कोर्स आप देख चुके हो, काफ़ी अच्छे स्कोर्स मिले हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है N22 के, आप इसे एक हाई एंड का गेम मान सकते हो और इसके आधार पर ये जज कर सकते हो कि लगभग कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। हाई एंड गेमिंग में आपको अगर इतना लैग देखने को मिलता है तो हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने M-55 और F-55 पर बड़े स्मूथ तरीके से रन कर सकते हो, किसी तरह का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल गेमिंग के लिए दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं। और बात करें अगर डिफरेंस की तो वहाँ कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक छोटा सा आप गेम प्ले भी देख सकते हो जहाँ पर मैंने ये गेम दोनों डिवाइसेस पर F-55 और M-55 पर रन किया। हालांकि ये कोई हाई ग्राफिक्स का गेम नहीं है, नॉर्मल ग्राफिक्स का गेम है, किसी तरह का कोई इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और हाई ग्राफिक्स तक की गेम्स अगेन मैं बोलता हूँ आप दोनों ही डिवाइसेस पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। इसी के साथ दोनों डिवाइसेस का UI कितना तगड़ा है, इसके अलावा डिवाइस के रिफ्रेश रेट यानी 120Hz का क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो है जहाँ पर आप देख सकते हो, अगर दोनों डिवाइसेस पर स्क्रोलिंग देखें तो काफ़ी फास्ट तरीके से सुपर स्मूथ तरीके से स्क्रोलिंग होती है, किसी तरह का यहाँ कोई लैग या इशू देखने को नहीं मिलता। और यहाँ से आप जज कर सकते हो कि कॉमन यूज़ के लिए दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी दमदार हैं और डेली टास्क को ये दोनों ही डिवाइसेस आपके बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस 5000mAh की बैटरी के साथ आते हैं और दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो फाइनली जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, दोनों डिवाइस में से किसी भी डिवाइस में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, केवल जो मेन डिफरेंस रहेगा वो रहेगा डिजाइन का। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।